हेलो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ हेयर पैक का। मेरे बालों में काफ़ी ज़्यादा दिनों से खुजली हो रही थी, ऐसे इचिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, मतलब 3-4 दिनों से मैं ज़्यादा ही परेशान थी, जबकि मैंने अपने बालों को वॉश भी किया फिर भी। तो फिर मैं सोची कि मैं एक हेयर पैक अपने बालों में लगाती हूँ, जिससे कि मेरी जो खुजलाहट है वो ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए मैं एक हेयर पैक बनाई हूँ, जो कि आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ कि कैसे इस हेयर पैक को बनाना है। अगर आपके साथ भी ये वाली समस्या है तो सबसे पहले तो आपको एक दिन पहले अपने बालों को वॉश कर लेना है, जैसे कि मैंने वॉश कर लिया है एक दिन पहले और आज मेरे बाल सूखे हैं। तो आज मैं अपने बालों में हेयर पैक लगाऊंगी और हेयर पैक लगाने के बाद मैं उसे कुछ घंटे रखूंगी। मैं वीडियो में बताऊंगी कुछ घंटे रखना है, उसके बाद फिर उसको मैं सादे पानी से धोऊँगी, उसके बाद मैं ऑयल लगा लूँगी, फिर नेक्स्ट डे मैं शैम्पू करूँगी अपने बालों में। तो आइए देखते हैं कि मैंने क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड की है और उसके बाद कैसे मैं लगा रही हूँ। तो चैनल पर बने रहिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपको कुछ भी सवाल है इस वीडियो से लेकर तो आप उसे पूछ सकते हैं। मेहंदी का जो पैक है वो बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ एलोवेरा को कट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एलोवेरा का जेल चाहिए था। मार्केट में तो मिलते हैं, अगर आपके पास वो है तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर आपके घर प्लांट है एलोवेरा का तो आप वहाँ से ही 2 या 3 ऐसे निकाल ले। मतलब एलोवेरा जो है वो आपका कम से कम 2-3 चम्मच तो होना ही चाहिए, बड़े चम्मच से। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या क्या लिया है, एलोवेरा मैं तोड़ के धो ली हूँ। ये देखिए एक बर्तन भी ले ली हूँ और इसी में मैं मेहंदी निकालूंगी, चम्मच भी ले ली हूँ। तो आपको इतना चीज़ लेना है, ये है इंडिगो पाउडर और ये है सगुन गीत का स्पेशल फॉर हेयर हर्बल मेहंदी है ये, जिसमें कि ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी मेहंदी पाउडर के साथ। आंवला, अरीठा, ब्राह्मेसिका का पाउडर, भृंगराज और विशेष जो भी है इसमें और भी कुछ मिला हुआ हो। तो देखिए ये मैं मीशो से मेहंदी मंगाई थी सगुन गीत, और इसकी भी स्पेशल वीडियो मैं लेकर आ गई हूँ। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, आपको काफ़ी सारी मेहंदी की वीडियो मिल जाएगी, जो कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बालों में मेहंदी लगाना चाहिए, कैसे कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए आज की वीडियो में आपको थोड़ा अलग दिखा रही हूँ, इस टाइप की वीडियो मैंने अभी तक नहीं लाई है, जैसे कि मैंने इसमें एलोवेरा जेल मिक्स किया है। तो ये पैक बनाने के लिए मैं यहाँ पे पहले एलोवेरा को धो ली थी, उसके बाद कट कर ली हूँ साइड साइड से, और उसके बाद जो गुद्दा है उसका यानी जो जूस है उसका जेल, उसको इस तरह से मैं निकाल लूँगी चक्कू की मदद से। और अगर आपके पास धारदार वाली चक्कू है तो उससे तो और भी अच्छी जेल निकल जाती है। तो ये मेरे पास प्लेन वाली थी तो मैं उसी से सारा जेल निकाल ले रही हूँ, देखिए इस तरह से धीरे धीरे। आपको पूरा मोटा जो उसका है ना गुद्दा वो नहीं निकालना है, आपको धीरे धीरे ऐसे घिसना है चक्कू, इससे ना थोड़ा 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 ऐसे चिकना वाला जेल निकलता है। इससे एलोवेरा से क्या है कि हमारे जो स्कैल्प है वो काफ़ी अच्छा मतलब मुलायम हो जाएगा, मॉइस्चराइज हो जाएगा। अगर ड्राई ड्राई अगर हम लोग का बाल है काफ़ी, तो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। मेहंदी जो मैं यहाँ ले रही हूँ वो मैं अपने बालों के लेंथ के अनुसार ले रही हूँ। तो आप जो भी मतलब ये सारी सामग्री ऐड करें तो आप अपने बालों की लेंथ के अनुसार ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपने देखा ना कि 5 से 6 चम्मच मैं यहाँ ली हूँ, और ये मैं ये है इंडिगो पाउडर यानी कि नीला पत्ता इसको बोलते हैं। वैसे तो ये बालों को कलर करता है ब्लैक कलर, लेकिन यहाँ पे मैं मिक्स कर रही हूँ मेहंदी और इंडिगो पाउडर, ताकि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा ब्राउननेस रेड टाइप से है, डार्क वाला कलर है, मतलब डार्क ब्राउन या आप डार्क रेड भी बोल सकते हो, ज़्यादा रेड तो नहीं होता है बट ब्राउन। हल्दी ले रही हूँ मैं 1 चम्मच के करीब, इससे क्या है हमारे स्कैल्प में जो भी फंगस होता है या फिर जो आपको लगता है ना कि जैसे घाव है या पपड़ी है, तो उस टाइप के लिए बहुत अच्छा है ये। तो इसलिए मैं यहाँ पे हल्दी यूज़ की हूँ, और यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के मेहंदी को मिक्स कर रही हूँ। आप एक ही बार में पानी यूज़ बिल्कुल भी ना करें, इससे क्या होता है कि आपकी जो मेहंदी है वो अचानक से पतली हो सकती है, तो फिर वो गाढ़ी नहीं होगी अगर आपके पास एक्स्ट्रा मेहंदी नहीं होगी तो, या फिर मेहंदी आपको ज़्यादा फिर लगाना पड़ सकता है। थोड़ा थोड़ा पानी ले और मिक्स कर ले। तो इस मेहंदी का जो पैक है ना, इसमें देखिए मैं अभी तक क्या क्या मिलाई हूँ, एलोवेरा जेल, मेहंदी है, इंडिगो पाउडर है और हल्दी है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिक्स करनी है। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही पैक बना रही हूँ, यहाँ पर मैं मिक्स कर रही हूँ, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैं लास्ट में इसमें नींबू भी ऐड करूँगी। नींबू क्या है, नींबू अगर आपके बालों में डैंड्रफ है या बालों में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है तो इसके लिए बहुत अच्छा
उपाय है नींबू से। नींबू अगर आप मेहंदी नहीं भी लगाते हैं तो आप नींबू भी अपने स्कैल्प पे रगड़ सकते हैं, नींबू का रस काट के ऐसे। तो मैं यहाँ पे देखिए बहुत सारे छोटे छोटे, मेरे घर के बगल में ही पेड़ था तो उसी से मैं तोड़ी हूँ, तो इतना छोटा छोटा ही यहाँ पे है नींबू का जो फल है। तो मैं सभी का जूस निकाल ले रही हूँ। ये नींबू है कि क्या है मुझे नहीं पता, बट नींबू जैसा ही है। तो मैं इसका सारा जूस यहाँ मैं निकाल ले रही हूँ। मैं इसी तरह से छन्नी में ही सारा जूस निकाल लेती हूँ, इससे दाने वगैरह सब अलग हो जाते हैं, जूस अलग हो जाता है। तो यहाँ देखिए मेहंदी का कलर कुछ इस तरह से आ रहा है। आपको पता है क्योंकि मेहंदी जो है ना, इसमें मैंने मेहंदी और जो नीला पत्ता यानी इंडिगो पाउडर है वो मैंने मिक्स किया है। दोनों मैं मीशो से ऑनलाइन ली थी। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये देखिए ये मेरा पैक है जिसको कि मैं यहाँ पे इतना बना ली हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं इसको लगाने वाली हूँ अपने पूरे बालों में। तो मैं यहाँ पे अपने हाथों का ही यूज़ करूँगी, कि आप चाहे तो हैंड ग्लव्स भी यूज़ कर सकते हैं, हैंड ग्लव्स आप पहन ले, और या तो फिर आप ऐसे हाथों से लगा सकते हैं या तो आप ब्रश से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं हाथों से ही लगाना सबसे ज़्यादा आसान समझती हूँ। तो आपको जैसे भी अच्छा लगे, जैसे भी सुविधा लगे, तो आप वैसे ही बालों में लगा सकते हैं। तो चलिए मैं लगा कर इसको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने बालों को एक दिन पहले वॉश कर ली थी और अभी मेरे बाल बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। और साफ़ सुथरे बालों में ही मेहंदी लगाते हैं तभी आपका अच्छा सा कलर आता है। अगर आप कलर के लिए लगा रहे हो तो आपका अच्छा सा कलर भी आएगा। अगर आपके स्कैल्प में कुछ भी है जैसे कि खुजली हो रही है, डैंड्रफ है, तो भी आप ये वाला पैक यूज़ करिए। आपके बालों से रूसी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, यहाँ तक कि आपके बाल मुलायम होंगे, घने होंगे। और हेयर फॉल की अगर आपको प्रॉब्लम है, बाल झड़ रहे हैं, तो वो भी आपका दूर होगा। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वैसे वैसे आप सारा जो सामान है वो पैक बनाएं और उसके बाद आप लगाएं। और जो प्रोसेस मैं बता रही हूँ, 3 दिन का है, 1 दिन बाल धोना है, 1 दिन मेहंदी लगाना है, आपको ऑयल भी लगाना है उसके बाद धुलने के बाद 2nd दिन ही, फिर 3rd दिन आपको फिर शैम्पू करना है। तो ये सारे प्रोसेस अगर आप करते हैं तो आपके बाल काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, आपके बालों में अच्छी सी चमक आएगी, आपके बाल घने दिखेंगे, मुलायम रहेंगे, चमकदार बनेंगे। खुजली वगैरह अगर हो रही है तो वो आपका ठीक हो जाएगा काफ़ी हद तक। लगाने का तरीका दोस्तों आप अपने अनुसार लगा सकते हैं, आपको जैसी सुविधा लग रही है वैसे लगाइए, ब्रश से, हाथों से। मैं यहाँ हाथों से ही लगा रही हूँ और इस तरह से मैं लगा रही हूँ। तो आप चाहे तो पूरे स्कैल्प में भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैं थोड़ा सा बालों को उठा उठा कर लगा रही हूँ, और चाहे तो नहीं भी लगा सकते क्योंकि अभी जो मौसम है ना वो थोड़ा थोड़ा बारिश का है। अगर ठंड में या बारिश में अगर आप लगा रहे हैं तो आप ऊपर ऊपर ही मेहंदी लगाएं, स्कैल्प में ना लगाएं। लेकिन अगर आपके डैंड्रफ हैं तो आपको स्कैल्प में लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर खुजली हो रही है तो आपको स्कैल्प में लगाना चाहिए मेहंदी को, तभी आपका ये मेहंदी जो है वो काम करेगा, ये पैक आपके बालों में जाएगा स्कैल्प में, तो ही आपका जो जैसे खुजली है तो वो ठीक होगी। तो आज थोड़ा सा मेरे से ज़्यादा ही गलती हो गया, मेहंदी लगाते लगाते कभी इधर कभी उधर लग जा रहा था, क्योंकि आज मैं खड़े हो करके और आप लोगों के लिए मेहंदी लगा रही थी। और यहाँ पे मैं धीरे धीरे पूरे बालों में मेहंदी लगाऊंगी। मेरा जो मेहंदी है वो मैं अपने बालों के लेंथ के अनुसार ली थी। अगर आपके बाल मेरे से भी ज़्यादा बड़े हैं तो आप और ज़्यादा मेहंदी लें, अगर मेरे से छोटे हैं तो आपका जो भी क्वांटिटी है सारा थोड़ा थोड़ा कम कर दीजिए, इससे आप अपना पैक बना सकते हैं। और अगर आपका इधर उधर मेहंदी लग जाता है तो आप उसको पोंछ ले किसी कपड़े से। और मैं यहाँ पे डार्क कलर का कपड़ा पहनी हूँ, इसलिए मैं कोई भी तौलिया वगैरह अगल बगल अपने कंधे पे नहीं ली हूँ। अगर आपका कोई वैसा ड्रेस है, मेहंदी को आपको लगाना है, और लगाने के बाद आपको लगभग ना 2 से 3 घंटे आप रखिए, ज़रूर रखिए इतना, क्योंकि मैं 2 घंटे आज रखने वाली हूँ। वो इसलिए क्योंकि अभी जो है ना मौसम काफ़ी नमी वाला है, बारिश वाला है, तो ऐसे में अगर आप बालों को ज़्यादा देर तक मेहंदी लगा के रखते हो तो आपको ठंड लग सकती है, सर्दी खांसी बुखार भी लग सकता है। तो मैं यहाँ 2 घंटे रखी थी, उसके बाद मैं बाल धो ली, और मेरे घर शावर नहीं है तो मैं यहाँ पाइप से ही बाल धुल रही हूँ। बाल्टी में मेहंदी वगैरह धोने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, जग से पानी निकाल निकल कर धोने में, तो आज मैं ऐसे ही धो रही हूँ। पहले मैं क्या करती थी, बाथरूम में नल चालू कर लेती थी, उसके नीचे बैठ जाती थी और वैसे मैं बालों को धुलती थी, तो उसके कारण मुझे ना काफ़ी ज़्यादा चक्कर आने लगे थे 2-3 दिन, मतलब 4 दिन तक। तो ये अगर आप गलती करते हो तो ऐसा कभी मत करिएगा कि नल चालू करके और आप बाल धो रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। इसलिए मैं यहाँ पाइप से अपने बालों को धोई थी। और धोने के बाद देखिए मैं अपने बालों को किस तरह से सुखाती हूँ। तो जब भी आप मेहंदी लगाए ना तो सादे पानी से ही धोना है, शैम्पू वगैरह कुछ भी नहीं करना है।
और उसके बाद एक तौलिया लेना है आपको। तौलिया से आपको धीरे धीरे आपको ना अपने बालों का जो पानी है वो बस ऐसे दबाना है, थोड़ा थोड़ा रगड़ना है, जो मेहंदी है वो थोड़ा थोड़ा सा झड़ने लगे। जैसे जैसे आपके बाल ड्राई होंगे ना, वैसे जो मेहंदी आपके बालों में है वो धीरे धीरे रिमूव होते जाती है, निकलते जाती है। इस तरह से मैं अपने बालों को हमेशा सुखा लेती हूँ, क्लचर लगा लेती हूँ लास्ट टाइम, और धीरे धीरे मेरे बाल सूखते रहते हैं। मैं अपना काम करती हूँ, सूखने के बाद देखिए मेरे बाल जो है ना वो इस तरह से हो गए, क्योंकि मैं अपने बालों में शैम्पू नहीं की हूँ, केवल बालों को सादे पानी से धुली हूँ। फिर भी देखिए, देख सकते हैं आप, धूप में थोड़ा थोड़ा कलर आपको दिख रहा होगा। तो वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा देर मैं अपने बालों में मेहंदी नहीं लगाई थी, लेकिन अगर आप ज़्यादा देर रखते हो तो अच्छा कलर आता है, लेकिन अभी मौसम थोड़ा अच्छा चल नहीं रहा है इसलिए मैं कम टाइम ही रखी थी। फिर भी आपको मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, बट कलर बहुत अच्छा आया था, मुझे ऐसा लग रहा था। और ये है मेरा, मतलब आज के ही दिन जब मैं मेहंदी लगाई थी, ठीक है, आपने देखा ना, मेहंदी लगाई, उसके बाद बालों को सादे पानी से धुली। सादे पानी से धुलने के बाद उसको अच्छे से पानी निचोड़ना है बालों में, और उसके बाद आपको बालों को सुखाना है। देखिए इस तरह से अपने आप सूखने दीजिए उसको। सूखने के बाद आपके देखिए बाल जो है ना वो थोड़े थोड़े ऐसे फूले फूले दिखने लगते हैं काफ़ी ज़्यादा। मतलब अगर आपका बाल पतला है तो आप मेहंदी यूज़ करिए, आपके बाल जो है ना थोड़े थोड़े घने दिखने लगेंगे, वॉल्यूम आ जाता है आपके बालों में। तो देखिए यहाँ पर मैं अपने बाल सुखा ली थी, सुखाने के बाद मैं अपने बालों में तेल लगा रही हूँ। जब भी आप मेहंदी लगाए, जिस दिन आपने मेहंदी लगाया है, बालों को धुल लिया है सादे पानी से, उस दिन आपको बालों में तेल लगाना है। इससे क्या है ना, एक कोट बन जाता है मेहंदी का, यानी कि प्रोटेक्शन मिलता है आपके बालों को, लॉन्ग लास्टिंग, यानी कि मेहंदी जो है वो ज़्यादा दिन तक चलती है। और आप तेल करते हो तो एक तरह से उसको कवर मिल जाता है, और आप अपने बालों में, स्कैल्प में अच्छे से तेल लगाए इस तरह से। मैं यहाँ पे देखिए सरसों तेल यूज़ कर रही हूँ। आपका जो भी अच्छा सा तेल हो वो आप तेल यूज़ कर सकते हैं। मैं हमेशा सरसों तेल ही यूज़ करती हूँ, आपने अक्सर मेरी वीडियो में देखा होगा। और ये निहार का डब्बा है, लेकिन है इसमें सरसों का तेल। तो मैं पूरे स्कैल्प में तेल लगा रही हूँ। देखिए इन सभी की जो लॉन्ग लॉन्ग वीडियो है मैंने वो बनाई है, तो जल्दी मेरे चैनल पे आएगी। जैसे कि बालों को धोते हुए मैंने बड़ी सी वीडियो बनाई है, इसमें आपको थोड़ा थोड़ा ही दिखाई हूँ, या फिर बालों को तौलिए से ऐसे पोंछते हुए उसकी भी मैंने लंबी वीडियो बनाई है, तेल लगाते हुए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है। तो तीनों अलग अलग वीडियो मेरे चैनल पर आएगी। इस वीडियो को वीडियो के जाने के बाद या जाने के पहले अगर जैसा भी हो तो आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ चारों तरफ तेल लगा रही हूँ, सिर के आगे, सिर के पीछे। मुझे तेल लगाना पसंद है, लेकिन हफ्ते में या 2 हफ्ते में मैं 1 या 2 बार लगा ही लेती हूँ तेल पूरे बालों में। और इस तरह से आपके बाल काफ़ी अच्छे और मजबूत घने भी बनते हैं। तो जब भी मेहंदी लगाए बालों में तेल ज़रूर लगाए। तेल लगाने के बाद आप उसको अच्छे से कंघी कर ले, जैसे कि मैं अभी कंघी कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए मैं पूरे बालों को अच्छे से कंघी करूँगी, और कंघी करने के बाद मैं उसको अच्छे से जूड़ा बना लेती हूँ, या फिर जैसे भी आप करते हो वैसे कर लीजिए, थोड़े बहुत आपके बाल भी निकलते हैं। तो इससे क्या है, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं ना तो भी आपका ठीक हो जाता है, झड़ना कम हो जाता है, आपके बालों में वॉल्यूम आता है, यानी आपके बाल भी घने दिखते हैं, मुलायम और चमकदार भी दिखते हैं। अगर रूसी है, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, तो भी आपको काफ़ी हद तक मतलब इससे निजात मिलता है। तो आप लोग ये वाला ट्रिक जरूर ट्राई करें, और अब मैं अगले दिन अपने बालों को वॉश करूँगी। नेक्स्ट डे मैं बालों को शैम्पू कर ली अपने पसंदीदा शैम्पू से। तो इसी तरह अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बालों में अगर खुजलाहट है, रूसी है, या फिर बाल चमकदार नहीं है, घने नहीं है, तो आप ये वाला ट्रिक ज़रूर अपनाएं, आपके बाल बहुत अच्छे दिखेंगे। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।